सिंपल सी बात है, यदि हम लेवल फर्स्ट में 150 प्रश्न करके आते हैं, 150 में से 122 प्रश्न करके आते हैं, और 122 में से यदि 10 प्रश्न भी हमारे गलत हो गए, 10 प्रश्न भी हमारे गलत हो गए दोस्तों, तो हमारे 122 में से 10 गए तो 112 प्रश्न बचते हैं। और आपको पता दोस्तों 112 बचते हैं उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए माइनस मार्किंग है, तो प्रत्येक 3 गलत प्रश्न होने पर एक प्रश्न आपका कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 आपके गलत हो गए तो लगभग आपके 3 प्रश्न तो कटने वाले हैं, और भी 3 से 3.25-4 प्रश्न कटने वाले हैं। तो इसका मतलब 112 में से आपके 4 प्रश्न मान लीजिए कट जाते हैं, 3 प्रश्न कट जाते हैं, तो आपके कितने बचे 108। और 108 जो प्रश्न बचे उनके नंबर आपके कितने आने हैं, उनके नंबर आप लोगों के आने हैं 108 जो प्रश्न आपके बचे इनके 2 से गुणा करने पर आपके नंबर आने हैं कितने 216। अब आप देखिए, जहां तक मेरा मानना है 200 से लेकर के 220 के बीच में जो स्कोर होगा वो एकदम उन बालकों के लिए जो सफल होने वाले बालक है उनके लिए एकदम सही स्कोर होगा। यहां तक नंबर अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो निश्चित रूप से वो चयन की स्थिति में है। सेफ स्कोर जिसको हम बोल सकते हैं वो 200 से 220 के बीच में रहने वाला है 300 अंक में से लेवल फर्स्ट में, जहां तक मेरा आइडिया है। इसी तरह से लेवल सेकंड की बात करें तो 150 जो प्रश्नों में से अगर 125 करके आता है और यहां पर भी वो 10 गलत कर देता है तो लगभग यहां पर देखिए 125 में से 10 गए तो 115 उसके बचते हैं, और 115 में से भी 10 के एवज में जो 1/3 का आपका जो माइनस मार्किंग होना है उस माइनस मार्किंग को यदि हम देखते हैं तो यहां पर दोस्तों स्थिति ये बनती है कि इसमें से भी 3-4 प्रश्न आपके कम हो जाते हैं तो लगभग 111 प्रश्न आपके बचते हैं। 111 × 2 हम करते हैं तो हमारे यहां पर 222 नंबर आते हैं, और 222 नंबर आने का मतलब ये हुआ दोस्तों, मेरा ये मानना है कि लेवल सेकंड में 210 से लेकर के 230 के बीच में जिसके नंबर आने वाले हैं वो सेफ स्कोर में होगा, या यूं मान के चलिए वो सफलता की स्थिति में होगा।